हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की वीडियो में हम लोग एक पोस्टर बनाएंगे सेव वाटर के ऊपर ऑयल पिस्टल्स को यूज़ करके। सो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप एक स्क्रीनशॉट लेके रफली ये आउटलाइनिंग ड्रॉ कर लीजिएगा। सो इसमें एक फ्लावर जो है वो एक टैप के पास आकर जो एक वाटर ड्रॉपलेट के लिए पीने के लिए उसको आया है। सो आप इसकी रफली एक बार ड्रॉ कर लीजिएगा, आउटलाइनिंग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। और मैंने लिंक पिछली वीडियो में लिंक दे दिया था कि किस तरीके से आप जो है पूरी प्रॉपर आउटलाइनिंग ड्रॉ कर सकते हैं। सो उसी वीडियो की लिंक मैं वापस से आज डाल दूंगा। सो अगर आपको किसी को भी दिक्कत आती है आउटलाइनिंग ड्रॉ करने में सो आप उसे देख सकते हैं। सो कलरिंग के लिए सबसे पहले मैंने जो इनिशियल कलर यूज़ किया था वो मैंने किया था डीप येलो कलर का या डार्क येलो कलर का। अगर आपके पास नहीं है तो आप दूसरी कोई शेड यूज़ कर सकते हैं। देन मैंने यहाँ पर कलर यूज़ किया है मीडियम येलो का, एंड उसके अलावा मैं और कोई भी कलर की शेड यूज़ नहीं कर रहा। सो देखिए, बस मैंने यहाँ पर दो कलर ही यूज़ किए हैं। एंड देन आपको लेना है टिश्यू पेपर, इससे पहले आपको थोड़ा सा ऑरेंज कलर चलाना है एंड लाइट ब्राउन कलर थोड़ा सा नीचे की तरफ चलाना है। ये देखिए यहाँ पर मैंने ऑरेंज चला दिया। एंड देन आपको यहाँ पर वाइट चलाना है हल्का सा। एंड फिर फाइनली आप लोग टिश्यू पेपर लेंगे एंड उसको राउंड करके मर्ज कर देंगे। सो बेसिकली ये जो हमारा पोस्टर है सेव वाटर का, ये किड्स के लिए काफ़ी यूजफुल होता है। जैसे कि उन्हें वैकेशंस में होमवर्क मिलता है एंड उनको स्कूल से काम मिलता रहता है कि सेव वाटर के ऊपर उन्हें पोस्टर बनाना होता है। सो उसके लिए ये काफ़ी बेनिफिशियल होगा। सो आप बना सकते हैं, काफ़ी इजी ड्राइंग है एंड काफ़ी अच्छा इसके पीछे मैसेज है ड्राइंग के पीछे। ये पोस्टर हमारा ये मैसेज शो करता है कि एवरी ड्रॉप इज काउंटेबल। सो आप काफ़ी अच्छा एक मैसेज वाला, अगर आपको ड्राइंग बनानी है पोस्टर बनाना है तो आप ये ड्रॉ कर सकते हैं एंड काफ़ी इजी है एंड काफ़ी ब्यूटीफुल लगता है बनने के बाद। देन हम लोग टैप के लिए यहाँ पर यूज़ करेंगे ग्रे कलर का एंड सिल्वर कलर का। अभी मैं यहाँ पर सिर्फ ग्रे कलर का यूज़ कर रहा हूँ एंड अब यहाँ पर मैं वाइट कलर का यूज़ कर रहा हूँ। फिंगर से आप मर्ज कर सकते हैं या फिर अगर आप फिंगर से नहीं करना चाहते तो आप टिश्यू पेपर से भी मर्ज कर सकते हैं। बैकग्राउंड के लिए तो मैंने टिश्यू पेपर का यूज़ किया था। एंड देन मैं यहाँ पर अब सिल्वर कलर का यूज़ कर रहा हूँ। सिल्वर कलर जो होता है वो ग्रे से थोड़ा डार्क होता है तो काफ़ी अच्छी शेड आती है उससे। एंड अगर हमारे इस चैनल पे कोई नया व्यूअर है सो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें और हमारी प्रीवियस जो वीडियोस है वो ज़रूर देखें, क्योंकि मैंने काफ़ी बेनिफिशियल ट्यूटोरियल्स दिए हुए हैं अपनी प्रीवियस वीडियोस में। सो आप उन वीडियोस को ज़रूर देखें एंड इस चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको हर वीकली कोई नया नया कंटेंट मिलता रहता है। आप ड्रॉ कर सकते हैं उनको एंड किड्स के लिए मैंने पिछला अभी किड्स वीक चलाया था। सो उसमें मैंने सारी किड्स से रिलेटेड ही जो ड्राइंग्स थी वो मैंने अपलोड की थी। सो किड्स के लिए भी काफ़ी बेनिफिशियल है ये हमारा चैनल। एंड जो एडल्ट होते हैं वो जो पोर्ट्रेट ड्रॉ करते हैं कलर पोर्ट्रेट एंड पेंसिल स्केचेस वगैरह, उनके लिए मैंने काफ़ी सारे ट्यूटोरियल्स अपलोड किए हुए हैं। सो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। जो आर्ट लवर उन सबको आप शेयर कर दें ताकि सभी लोग जो है वो बेनिफिट उठा सके इस चैनल का। देन मैंने यहाँ पर ब्लैक कलर का यूज़ किया है थोड़ी सी आउटलाइनिंग के लिए एंड जिसकी वजह से एक थोड़ा डार्क कॉम्प्लेक्शन आएगा तो काफ़ी रियलिस्टिक लगती है फिर टैप। देन वाइट कलर का मैं यूज़ करके उसको मर्ज कर दिया मैंने। देन यहाँ पर मैंने गोल्ड कलर का यूज़ किया है एंड येलो कलर का यूज़ करके जो इसका बीच वाला पार्ट है उसको ड्रॉ किया है। एंड मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ, आप ब्लैक कलर का भी यूज़ कर सकते हैं, पेंसिल कलर भी यूज़ कर सकते हैं आप या फिर ऑयल पेस्टल भी यूज़ कर सकते हैं, पर मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ आर्ट लाइन की 10B पेंसिल। सो अगर आपके पास नहीं है तो आप
कोई दिक्कत नहीं है, आप ब्लैक कलर पेंसिल भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने अपनी सारी प्रीवियस वीडियोज़ है उसमें मैंने कलर पेंसिल का ही यूज़ किया है, एंड इसी वीडियो में मैं यहाँ पर पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ। सो आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, ऑयल पेस्टल भी आप यूज़ कर सकते हैं। देन हम लोग टैप का जो फ्रंट पार्ट है जहाँ से पानी निकलेगा वो ड्रॉ कर लेते हैं। सो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले येलो कलर चला रहे हैं, एंड देन उसके बाद हम लोग गोल्ड कलर चला रहे हैं, एंड देन फिर फाइनली हम लोग चलाएंगे थोड़ा सा ब्राउन कलर, क्योंकि जो टैप है वो थोड़ी पुरानी है तो वो रस्टेड लगनी चाहिए, तभी थोड़ी ज़्यादा अच्छी लगेगी, रियलिस्टिक सी लगेगी। सो आपको यहाँ पर ये काफ़ी कलर कॉम्बिनेशन करने होंगे, तो जो हमारा आर्टवर्क है वो काफ़ी ऑटोमेटिक काफ़ी रियलिस्टिक लगता है। एंड यहाँ पर मैं इसकी आउटलाइनिंग्स के लिए, यानी जो हमारी थोड़ी रियलिस्टिक बनाने के लिए, पेंसिल से थोड़ी थोड़ी सी आउटलाइनिंग्स कर रहा हूँ उसके ऊपर। एंड जो बैकग्राउंड है वो मैंने येलो इसलिए किया है क्योंकि जो हमारा वेदर है वो थोड़ा ड्राई लगना चाहिए, क्योंकि तभी जो हमारा वाटर है तभी वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। अगर हम लोग ब्लू ही बैकग्राउंड कर देंगे तो वो थोड़ा ऐसा लगता है कि ऑलरेडी वाटर से रिलेटेड है। तो यहाँ पर अभी ड्रॉट पड़ी हुई है, यानी कि सूखा पड़ा हुआ है, तो इस वजह से जो बैकग्राउंड है इसलिए मैंने ऐसा कलर का चूज़ किया है। देन हम लोग यहाँ पर अब ड्रॉ कर रहे हैं, जो स्टेम होती है वो हम ड्रॉ कर रहे हैं यहाँ पर। एंड उसके लिए मैंने कलर यूज़ किया है, सबसे पहले आप डार्क ग्रीन भी यूज़ कर सकते हैं, मैंने यहाँ पर सैप ग्रीन कलर का यूज़ किया है। अगर आपके पास नहीं अवेलेबल है, अगर आपके पास कम शेड्स है तो आप उससे जो थोड़ा डार्क होता है वो भी यूज़ कर सकते हैं। देन हम लोग यहाँ पर लीव्स ड्रॉ करेंगे, एंड लीव्स के लिए मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ डार्क ग्रीन कलर का एंड येलो कलर का, एंड एक थोड़ा सा उससे लाइट शेड लाइट ग्रीन कलर का ऑल्सो। एंड यहाँ पर फिर हम लोग 10B पेंसिल से थोड़ी आउटलाइनिंग कर लेंगे। अगर आपको किसी चीज़ के रिगार्डिंग डाउट है आर्ट से रिलेटेड, तो प्लीज़ कमेंट जरूर करें, मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। एंड अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और चीज़ के ऊपर पोस्टर बनाऊँ, या अगर आप कुछ आइडिया देना चाहते हैं, तो प्लीज़ वो भी कमेंट करें, मैं उसके लिए भी जो वीडियो है वो आउट कर दूंगा। आपको किसी चीज़ का ट्यूटोरियल चाहिए या कुछ भी, तो मैं उसके लिए वीडियो आउट कर दूंगा। लीव्स के लिए सारा मैंने बस एक ही शेड लिया है, एंड यहाँ पर मैंने अच्छी बार लीव्स के लिए एक बीच में थोड़ा सा होल बनाया ताकि जो हमारा जो लीव्स है वो थोड़ी डेड लगे, क्योंकि जो हमारा फ्लावर है वो काफ़ी स्ट्रगलिंग दिखना चाहिए इसमें वाटर ड्रॉपलेट के लिए। सो इसलिए वहाँ पर हमें थोड़े से पोर्स दिखाने होंगे। देन हम लोग इसकी टंग ड्रॉ करेंगे रेड एंड पिंक कलर का मिक्सचर यूज करके। एंड फ्लावर की जो लीव्स है, जिसे हम पेटल्स बोलते हैं, जो कलर्ड पार्ट होता है, सो उसको ड्रॉ करने के लिए मैं यहाँ पर कलर कॉम्बिनेशन ले रहा हूँ पीच कलर का एंड पिंक कलर का। आपकी मर्जी, आप कोई सा भी कलर यूज़ कर सकते हैं, आपको जो कलर अच्छा लगता है वो यूज़ कर सकते हैं। एंड उसको हल्का हल्का सा मर्ज करके उसकी आउटलाइनिंग कर देंगे, तो जो हमारा फ्लावर है वो काफ़ी ज़्यादा रियलिस्टिक लगेगा देन। एंड देखिए, जो अब ड्राइंग है वो काफ़ी सुंदर लग रही है, एंड काफ़ी ज़्यादा मैसेज वाली भी लग रही है। पेंसिल को यूज़ करके मैं आउटलाइनिंग्स ड्रॉ कर रहा हूँ ताकि एक थोड़ी और रियलिस्टिक लुक आए।
देन हम लोग यहाँ पर अब इसके हैंड्स ड्रॉ कर रहे हैं फ्लावर के। एंड देन फाइनली हम लोग जो फ्रंट पार्ट है सिर्फ उसको हम लोग यहाँ पर ड्रॉ कर देंगे। सो अब जो हमारी ड्राइंग है वो कंप्लीट हो चुकी है। सो देखिए वीडियो जो ड्राइंग है वो काफ़ी अच्छी लग रही है। एंड अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। एंड थैंक यू सो मच। ये इसका फ्रंट व्यू, सो थैंक यू सो मच गाइज़।